वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं एएनएम का। कहाँ का? एएनएम का पेपर है। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एएनएम या फिर लेडी हेल्थ विजिटर या फिर आपका सीएचओ का पेपर होता है, एनएचएम का पेपर होता है, तो उनके लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है पेपर। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर सिलेबस हैं, जिसमें आपका जी के जी एस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। और आज है 1 जून, आज 1 जून है। और आज है जो MPP CGCL का पेपर होने वाला था, 3 शिफ्ट में पेपर था। तो आई होप आप सभी का पेपर है जो अच्छा गया हो। जो भी आपके पेपर जो भी लोग देके आए, टोटल 14 पोस्ट के लिए पेपर था, CBT बेस्ड पेपर था। तो जैसे ही आंसर की आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। आई होप जो जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि परमानेंट जॉब के साथ साथ यहाँ पे आपको 3 साल का प्रोविजनल पीरियड भी रहने वाला था इस जॉब के लिए। आज है जो इसका पेपर हो चुका है, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इसका पेपर होना था, 3rd शिफ्ट में पेपर होना था। इनकेस मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको नाइट में अपडेट कर दूँगी। आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं पूरे एएनएम के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको अपकमिंग टाइम में CHO NHM एग्ज़ाम के अलावा, ANM एग्ज़ाम के अलावा अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। जिनका ESIC के लिए पेपर है 7 जुलाई को, उनके लिए ओनली 1 मंथ 5 डेज बचे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि UPSC के थ्रू पेपर होना है तो आपका पेपर इतना भी ईजी नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेल्थ इज व्यूड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट इज। तो यहाँ पे कहा गया है कि हेल्थ क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके बीच में? मैन और एनवायरमेंट के बीच में। तो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब इस कॉन्सेप्ट में बात किसकी की गई है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, और एनवायरमेंट के बीच में, डायनामिक का मतलब होता है कि बराबर के हिस्सेदार है। तो ये किस कॉन्सेप्ट के तहत हैं? बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल या फिर होलिस्टिक। यहाँ पर एक कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 1st यूनिट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि मैन और एनवायरमेंट की बात की गई है, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है यहाँ पर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में? मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। किसमें? होलिस्टिक कंपोनेंट्स में। और यदि यहाँ पे हम बात करें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट के साथ साथ वेलबींग इंक्लूडेड होगा। जैसे यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है किसके बीच में? मैन और इन्वायरमेंट के बीच में, तो ये तो इकोलॉजिकल हो गया। लेकिन जब यहाँ पर वेलबींग को रिलेट करेगा साथ में इन्वायरमेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल में यहाँ पर आपका मेंटल से रिलेट करता हुआ होगा। और बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि किसी भी डिसीज से फ्री होना, हेल्थी होना, वो किस में आएगा? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी मैन और इन्वायरमेंट के बीच में बराबर की हिस्सेदारी पूछे तो होगा क्या? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइलिज। तो यहाँ पर कौन से एफर्ट्स हैं? बच्चों को अडॉप्ट क्या कर रहे हैं? हार्मफुल लाइफ स्टाइल जो बच्चे क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए डिस्करेज कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। किस कॉन्सेप्ट, कौन से प्रिवेंशन में आएगा? प्रिमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, ये कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? जहाँ पर बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि आपको ये हार्मफुल लाइफ स्टाइल है जो नहीं अपनाना है, अडॉप्ट नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा किसमें? प्राइमरी प्रिवेंशन के पहले ही, जिसमें आपको रिस्क फैक्टर के होने के पहले ही आपको क्या करना है, संभलने की कोशिश करना है। तो ये किस में आएगा आपका? प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन में। किस में आएगा? प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन में। प्री का मतलब होता है पहले ही, और मॉर्बिड का मतलब होता है बीमार होने के पहले। तो यदि आपने बीमार होने के पहले ही बच्चों को इस चीज़ के लिए, क्या बड़े हों या बच्चे हों, दोनों के लिए इस तरीके से आप उनको अवेयर करते हैं, तो किसमें आएगा आपका? प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन में। प्राइमरी में तो वो आएगा कि किसी भी डिसीज़ को लेके आप बच्चे को एजुकेट करते हैं, या फिर
बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए कहेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्करेज कर रहे हैं बच्चे को हार्मफुल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए। क्या होगा? प्री मॉडल माउंटेक्स टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग डिसीज। माउंटेक्स टेस्ट किसके लिए होगा, किस डिसीज को डायग्नोज करने के लिए किया जाएगा? डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जितनी भी डिसीज हैं सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे हम टाइफाइड की बात करें तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है? विडाल टेस्ट। लेप्रोसी में है जो पैचेस आते हैं उसको चेक किया जाएगा यहाँ पे। ये माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट किसके लिए है? माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट किसके लिए हो गया? टीबी के लिए। डिप्थीरिया के लिए किया जाता है सिक टेस्ट। क्या है? SHICK सिक टेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यदि आपसे पूछा जाए माउंटेक्स टेस्ट किसके लिए है तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लेप्रोसी के लिए अलग टेस्ट होगा, स्किन पे जो पैचेस आएंगे वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे। नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाएगा क्योंकि नर्व क्या होती है, यहाँ पे नर्व डैमेज भी होने के चांसेस रहते हैं। टाइफॉइड में होता है विडाल टेस्ट। क्लियर है? लेप्रोसी का कॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हैंसन्स डिसीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिप्थीरिया का कॉजिटिव एजेंट क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइस वाटर अपियरेंस ऑफ स्टूल इज सीन इन। राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलेगा? कोलेरा, अमीबियासिस, जियार्डियासिस या फिर टाइफॉइड में। तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है किसमें? कोलेरा में। किसमें? कोलेरा में। टाइफॉइड में मिलेगा पी सूप स्टूल, याद रखें टाइफॉइड में होगा पी सूप स्टूल। अमीबियासिस और डिसेंट्री में जो लूज मोशन है उसके साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोलेरा में जो चावल का पानी आप जिसको कह सकते हैं राइस वाटर स्टूल, मतलब ओनली वाटर वाटर बस रिलीज होगा, तो वो लक्षण किस में देखने को मिलेगा? कोलेरा में। और इसका कॉज क्या होता है? विब्रियो कोलेरा, जो कि गंदे खाना पानी पीने के कारण आपको होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फीवर दैट असेंड्स इन अ स्टेप लैडर फैशन इज सीन इज। स्टेप लैडर मतलब इस तरीके से सीढ़ियों जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा, मतलब इस तरीके का फीवर किस में देखने को मिलेगा? ट्यूबरक्लोसिस में, मेनिनजाइटिस में, मलेरिया में या फिर टाइफॉइड में। स्टेप लैडर फीवर किसका लक्षण है? तो स्टेप लैडर फीवर देखने को मिलता है टाइफॉइड में। किस में? टाइफॉइड में। मलेरिया का बुखार होता है, बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, लेकिन इसमें आपको ठंड भी लगेगी साथ में। टीबी वालों में फीवर हाई नहीं जाता है, ओनली इवनिंग में फीवर आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो स्टेप लैडर फीवर लक्षण है किसका है? ये है टाइफॉइड का। नेक्स्ट वन, एन एलिजिबल कपल रिफर्स टू अ करेंटली मैरिड कपल वेर इन द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज विच जनरली अज्यूम टू बी बिटवीन द एज ऑफ। यहाँ पर ये देखिए एलिजिबल कपल पूछे गए हैं। क्या है? एलिजिबल कपल के बारे में पूछा गया है कि जो करेंटली मैरिड कपल है जिसमें वाइफ की एज कितनी कंसिडर की जाएगी एलिजिबल कपल की एज में? 18 एंड 25, 18 एंड 45, 15 एंड 25 या फिर 15 एंड 45। एलिजिबल कपल की जो एज लिमिट होती है वो होती है 15 से 45 साल तक। कितना? 15 से 45 साल तक। जो एलिजिबल कपल हैं या फिर फर्टाइल कपल के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं, जिसमें 15 से 45 साल तक की उम्र है, जो गर्ल्स में क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर वाइफ की जो एज है और एलिजिबल कपल वो किस कैटेगरी के एज के होंगे? 15 से 45 साल की उम्र के। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी एक्सेप्ट। सभी कम्युनिटी के क्या हैं, कैरेक्टर हैं किसी एक को छोड़कर? यहाँ पर मैं पूरा पेपर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि जो लोग यदि हिंदी मीडियम वाले हैं उनको लगे कि मैम ने यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। तो जो ऑफिशियल पेपर जिस तरीके से होते हैं उनको वैसे ही मैं अपडेट करती हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये रियल पेपर है या नहीं। तो यहाँ पर यदि करेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी के सभी किसी एक को छोड़कर, द कम्युनिटी इज़ नॉट अ कंटेजियस जियोग्राफिक एरिया, इट इज़ कम्पोज ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, पीपल कॉपरेट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, देयर आर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की क्या खासियत होती है? सब लोग एक साथ रहते हैं, अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको लेकर कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, और एक कंटेजियस जियोग्राफिकल एरिया भी है।
तो यहाँ पे नॉट जुड़ गया मतलब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। यदि ये नॉट नहीं होता तब ये नहीं होता आपका, लेकिन यहाँ पे नॉट जुड़ा हुआ है तब आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड बेटर एंड डील विथ देयर प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट बेटर विथ दोज विथ हुम दे आर इमोशनली इन्वॉल्व इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी प्रोसेस क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग हैं जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे भी, आप अपनी बात उनके सामने बेझिझक होकर रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, एजुकेशन, मोटिवेशन, परसुएशन या फिर काउंसलिंग। तो ये प्रोसेस ओनली कौन सी हो सकती है, यदि कोई परेशान है किसी भी तरीके से तो आप यदि उसको कुछ समझाएंगे, आप उससे इमोशनल होके बात भी करेंगे, सब चीज़ें उसको समझाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे, उसको कुछ आइडियाज़ भी देंगे, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी आपकी काउंसलिंग। मोटिवेशन में तो आप अकेले उसको बताते जाएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताएगा। नए एजुकेशन में ऐसा होगा, ये चीज़ पॉसिबल होगी किसमें होगी, काउंसलिंग में। और काउंसलिंग से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो आती है गैदर टेक्निक, क्या है, गैदर टेक्निक आती है काउंसलिंग से एग्जाम में आपको आती है। गैदर टेक्निक कहाँ यूज़ की जाती है, तो होती है काउंसलिंग में। नेक्स्ट इज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह, बाल विवाह जो एक्ट है किस तरीके का एग्जाम्पल है। रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो, क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये एक्ट है जो आया था 1929 में। कब आया था ये एक्ट, 1929 में आया था ये एक्ट, कब, 28 सितंबर, याद रखनी है डेट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 28 सितंबर 1929 में एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत उस टाइम पर लड़कियों की उम्र थी 14 साल और लड़कों की थी 18 साल, लेकिन आफ्टर दैट इसमें फिर से चेंज किया गया 1949 में। तो यहाँ पर 15 कर दी गई गर्ल्स की एज, और यहाँ पर फिर 1978 में फिर चेंज हुए। इसी एक्ट का दूसरा नाम रख दिया गया क्या, शारदा एक्ट, याद रखना है, चाइल्ड मैरिज एक्ट का दूसरा नाम रखा गया था क्या, शारदा एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो गर्ल्स की उम्र थी शादी के लिए क्या कर दी गई थी, 18, और बॉयज़ की 21 ईयर, जो कि अभी भी ऐसे ही चलती जा रही है। तो यहाँ पर जो किस तरीके का अप्रोच हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका रेगुलेटरी अप्रोच। कौन सा, रेगुलेटरी अप्रोच, ना तो ये सर्विस है, ना प्राइमरी हेल्थ केयर है, ना ही हेल्थ एजुकेशन है, क्या, रेगुलेटरी अप्रोच, कि ये चीज़ सभी को माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज द डिग्री टू विच द मैसेज टू द टू बी कम्युनिकेटेड टू परसीव्ड एज ट्रस्टवर्दी बाय रिसीवर इज, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर। द डिग्री टू विच द मैसेज, जो आपका मैसेज है जो प्रॉपर तरीके से रिसीवर तक पहुँचाया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रीएनफोर्समेंट, क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन या फिर मोटिवेशन। तो मैसेज है जो आपका ट्रस्टवर्दी तरीके से आपके रिसीवर तक पहुँचेगा, तो ये कहलाएगी क्रेडिबिलिटी, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट वन, कॉप्लिक स्पॉट्स आर टिपिकल फीचर, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो कॉप्लिक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन में है आपको चिकन पॉक्स, हर्पीस जूस्टर, स्मॉल पॉक्स या फिर मीजल्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं किस में, मीजल्स में, इसमें देखने को मिलेंगे मीजल्स में। हर्पीस जूस्टर में मुंह के पास है जो आपको दाने दाने टाइप देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉप्लिक के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, कॉप्लिक हो गया, राइस वाटर स्टूल हो गया, स्टेपलेडर फीवर हो गया, इस तरीके के साइन हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, बीमारी में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, एन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, तो आशा वर्कर कितनी जनता के लिए होती है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। आशा वर्कर हैं जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, होती हैं 1000 जनता के बीच में, कितनी, 1000 जनता के बीच में। नेक्स्ट वन, द पॉलिसी रीअफर्म्स द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टुवार्ड्स टारगेट फ्री अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि टारगेट फ्री अप्रोच है
और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं। तो किससे रिलेट करते हुए पॉलिसी होगी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जब जनता के को कंट्रोल करना है, आपको क्या फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जनता है जो भारत की जनता है सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा जनता वाला जो देश बन गया है क्या इंडिया, 140 करोड़ जनता हो गई है अभी हाल फिलहाल में, तो डेटा गवर्नमेंट ने शो किया उसके अकॉर्डिंग। तो ये होगी आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कौन सी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो विश्व जनसंख्या दिवस क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, 11th जुलाई, 28th जुलाई, 5th जून या फिर 14th जून। तो हर साल हमें जो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हर साल 11 जुलाई को, कब, 11th जुलाई को। आई होप आपको दिख रहा हो, वन मिनट के। तो हर साल हम 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। भारत है जो अभी टॉप पर है जनता के मामले में। नेक्स्ट वन, अ सब सेंटर कवर्स द पॉपुलेशन, तो एक सब सेंटर सबसे इनिशियल वे होता है जो हेल्थ कवरेज के लिए, वो होता है सब सेंटर, फिर PHC, फिर CHC, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो जो जनता है जो सब सेंटर के लिए, इसका दूसरा नाम बदल के क्या रख दिया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पर एज अ CHO की पोस्टिंग होती है। तो ये जनता कितनी होती है, 3000 से 5000 तक, 3000 होती है जो हिली एरिया होते हैं, कौन से हिली एरिया होंगे, और जो 5000 होती है कहाँ पर, जो प्लेन एरिया है जहाँ पे पक्की सड़कें हैं, पक्की रोड हैं, वहाँ के लिए। तो कितना होगा, 3000 से लेके 5000 तक, ये आपकी PSC की होगी, 20 से 30 तक की कहाँ की होगी, PSC की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। नेक्स्ट वन, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स, तो मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरामिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला जूस्टर वायरस या फिर अरबो वायरस। मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होगा, वो होता है पैरामिक्सो वायरस, क्या होगा, पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट वन इज फॉर इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, द ग्रुप शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर, ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, सीधा सा क्वेश्चन है। ग्रुप डिस्कशन है जो इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन होना है, तो यहाँ पर कितने मेंबर होने चाहिए, 2 से 5, 6 से 12, 10 से 20 या 15 से 25। तो एक इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन के लिए एटलीस्ट है जो 6 से 12 सदस्य होने चाहिए, 6 से 12, इसलिए 10 से ज़्यादा होंगे, 10 से 20 के बीच में होंगे, तो जो चीज़ आपको एक कोई टॉपिक पर्टिकुलर दिया जाता है उस पर डिबेट्स छिड़ जाएगा, ना कि आप ग्रुप में कुछ पूछ पाएंगे, वही यहाँ पे भी हाल होगा। 2 से 5 होंगे तो इतने कम का ग्रुप में आपको उतने आइडियाज़ नहीं मिल पाएंगे। तो एक इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन के लिए जो आइडियल पर्सन नंबर माने जाते हैं वो होता है 6 to 12 तक, 6 से 12। नेक्स्ट वन, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉसेस, तो विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, पेलाग्राम, बेरीबेरी होगा यहाँ पे B1, थायमिन, नियासिन होगा आपका पेलाग्रा के लिए, किसके लिए, नियासिन होगा पेलाग्रा के लिए, यहाँ पे होगा विटामिन ए, यहाँ पर ये क्या होगा, रिकेट्स, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, रिकेट्स। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर लार्वल कंट्रोल मेजर्स एक्सेप्ट, तो लार्वल कंट्रोल मेजर्स सभी हैं किसी एक को छोड़कर, DDT का छिड़काव, पेरिस ग्रीन, गैम्बूजिया फिस या फिर इंटरमिटेंट इरीगेशन, क्या होगा यहाँ पर। तो लार्वा कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मोड होता है गैम्बूजिया फिस, क्या होता है, यदि यहाँ पे आपको पूछें फिजिकल मोड तो क्या होती है, गैम्बूजिया फिस। अब यहाँ पर पेरिस ग्रीन, इंटरमिटेंट इरीगेशन, ये तीनों लार्वल कंट्रोल में इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पर DDT का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या है, DDT का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर भी आपका क्या होगा, DDT। नेक्स्ट वन, मॉस्क्यूटो दैट ब्रीड इन डर्टी वाटर कलेक्शन ऑफ, कौन से मच्छर हैं जो गंदे पानी में पनपते हैं, एनाफिलीस के, क्यूलेक्स के, एडीस के, अमेंसोनिया के,
तो जो डर्टी वाटर गंदे पानी में पनपने वाले मच्छर होते हैं क्यूलेक्स के। कौन से? क्यूलेक्स के। डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में पनपते हैं। कहाँ पे? साफ पानी में पनपते हैं डेंगू के, लेकिन क्यूलेक्स जो कि डर्टी वाटर में गंदे पानी में है जो मच्छर पनप सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होगा? कैरेट में, दूध में, आंवला में कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में? तो कैरेट में तो यहाँ पे आपका ए होगा, आंवला में सी होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आपका ए होगा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी यहाँ पे पूछा गया है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी का सोर्स क्या होगा यहाँ पे? आंवला। क्या होगा? आंवला। कैल्शियम का पूछते तब आप क्या कहते? मिल्क। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी वो क्या होगा? आंवला। नेक्स्ट इज मोर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा पीएम का कौन से वो है? एनीमिया है, जेरोपथैल्मिया, मरासमस, या फिर ऑप्शन ए एंड सी, कौन सा है यहाँ पर? तो भारत में सबसे कॉमन जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिला है वो है मरासमस। क्या है? मरासमस। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन इंक्लूड। एक चीज़ और याद रखें, यदि प्रेग्नेंट लेडी में पूछे कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या इंडिया में देखने को मिलती है, तब आपको क्या कहना है? एनीमिया। यदि प्रेगनेंसी में पूछे तब एनीमिया कहना, लेकिन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की गई है तो क्या होगा? मरासमस। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इंक्लूड। मेंटल हेल्दी पर्सन में ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। अपने आप से सेटिस्फाइड भी होगा, वेल एडजस्टेड होगा, गुड सेल्फ कंट्रोल होगा, किसी को जबरदस्ती की मार धाड़ नहीं करेगा। तो आंसर होगा आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट। तो माल एडजस्टमेंट के लक्षण क्या हैं, सॉरी रीजन क्या है? फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गरीबी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भी आपके सभी होंगे। किसी चीज़ पे गुस्सा है तो एडजस्ट नहीं कर रहे, गुस्से में, टेंशन में है, तब भी गरीबी में भी बहुत सारे लोग कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पर्सन इंक्लूड। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस, अस्थमा, ए बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कभी कभी सुनाई भी नहीं देने लगता, उतने अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, अस्थमा की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो आंसर भी आपका क्या होगा? ए एंड बी। पर सैनिटरी लेटरिन कैन डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑल एक्सेप्ट। यदि सैनिटरी लेटराइंस बन जाती हैं सभी के इंसिडेंस होने के, जो होने के चांसेस हैं क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे किसी एक को छोड़कर। मतलब यदि सैनिटरी लेटरेंस अवेलेबल हैं तो ये जो बीमारियां यहाँ पे बताई गई हैं उनमें से सभी ये जो खत्म हो जाएगी, आने के नए केसेस आने के जो चांसेस हैं कम हो जाएंगे किसी एक को छोड़कर। पोलियो, माइलाइटिस, मम्स, डायरिया या फिर कोलेरा। तो पोलियो, डायरिया और कोलेरा तीनों किससे फैलेंगे? जैसे कोलेरा का तो पता है कि गंदे खाने पीने से। ये सभी के लिए फीकल और ओरल रूट दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तीनों के लिए। लेकिन मम्स है जो एयर में फैलेगा। किसमें? एयर में। मतलब ये किस तरीके का है? एयर बॉर्न है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मम्स। क्योंकि सैनिटरी लेटरिन से इन सभी जो इंसिडेंस होने के चांसेस कम होंगे, डिक्रीज होंगे, लेकिन मम्स के नहीं। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कारण क्या हो? डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल सॉक पिट, सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड एनिमल वेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पर? तो ये सब कुछ हो सकता है। क्या है? सभी चीज़ें पॉसिबल हैं यदि कम्युनिटी एकजुट होकर काम करे तो। नेक्स्ट वन, सेफ वाटर क्राइटेरिया इंक्लूड। सेफ वाटर में फ्री फ्रॉम पैथोजेंस भी होगा, फ्री फ्रॉम कलर होगा, फ्री फ्रॉम ऑडर होगा, मतलब स्मेल भी नहीं आएगी। पानी है जो रंगहीन होता है, पैथोजेंस भी नहीं होंगे। तो आंसर भी आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल एक्सेप्ट। सीवोजल जो सीवेज को डिस्पोज करने की सभी मेथड्स हैं किसी एक को छोड़कर। कंपोस्टिंग,
लैंड ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या फिर रिवर आउटफॉल। तो सीवेज को सब तरीके से डिस्पोज करेंगे, लेकिन कंपोस्ट करके सीवेज डिस्पोज नहीं होता है, इसको सीधा फ्लो ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर कंपोस्टिंग तो इसका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज, कौन सी साइंस में हेल्थ और इसका मेंटेनेंस है? सैनिटेशन, हाइजीन, असेप्सिस या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? ये होगी आपकी हाइजीन, साइंस ऑफ हेल्थ एंड मेंटेनेंस, ये होगी क्या? हाइजीन। नेक्स्ट वन, इंडिकेशन ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यदि पानी में, इंडिकेशन ऑफ फीकल कंटामिनेशन मतलब पानी में क्या है, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर बी और सी, क्या हो सकता है? तो होगा यहाँ पर क्या, इकोलाई, सबसे कॉमन देखने को क्या मिलेगा, इकोलाई। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ माउथ एक्सेप्ट, जिंजिवाइटिस तो है भाई माउथ की प्रॉब्लम्स, गम्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन का होना, हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीदिंग मतलब जब सांस छोड़ेंगे तो स्मेल आएगी, पेरिडोंटल डिसीज भी है, एक्नी भी है, सभी कॉमन माउथ प्रॉब्लम है किसी एक को छोड़कर, वो होगी एक्नी। क्या होगी? एक्नी। हेलिटोसिस भी कुछ मुंह में इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ आपने इस तरीके से खाया होगा, ब्रश नहीं किया होगा, बैड ब्रीदिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, तो होगा हेलिटोसिस। एक्नी है जो नहीं होगा, माउथ की प्रॉब्लम सभी है किसी एक को छोड़कर, तो होगी एक्नी। नेक्स्ट वन, एडीज एगैप्टी ट्रांसमिट द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट, तो एडीज के कारण सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर, मलेरिया या फिर डेंगू फीवर, क्या है जो यहाँ पे नहीं होगा, किससे? एडीज एगैप्टी से। एडीज एगैप्टी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी एक को छोड़कर, तो होगा मलेरिया, येलो फीवर होगा, डेंगू होगा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होगा, लेकिन मलेरिया होता है एनाफ्लीज से, किससे? फीमेल एनाफ्लीज से। अब इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, चार स्पीसीज होती हैं, लेकिन एडीज एगैप्टी का पूछें तो यहाँ पर तीनों होंगे, लेकिन मलेरिया नहीं होगा। नेक्स्ट वन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये किसमें आएंगे आपके? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये होंगे आपके मैक्रो, कौन से? मैक्रो। विटामिन्स एंड मिनरल्स, आई थिंक मैंने क्वेश्चन आपको एक या दो दिन पहले की क्लास में पढ़ा है, क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स किस में आएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो आपका आंसर क्या होगा 34 का? सी। आई होप आपको पेपर अच्छा लग रहा हो और आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, और इस तरीके के मेरे पास जितने पेपर्स रहते हैं मैं सब आपको अवेलेबल कराती हूँ ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें, और जिनका आज 1 जून को पेपर हुआ है, 4:30 से 6:30 बजे तक पेपर होना था 3rd शिफ्ट में, क्योंकि टोटल 14 पोस्ट थी, तो जब भी CBT बेस्ड पेपर है, जब भी आंसर की अपडेट होगी तो आपको आंसर की चैनल पर भी अपडेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर ऑल एक्सेप्ट, तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर सभी हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज को लेकर किसी एक को छोड़कर, एज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, सभी चीज़ों को बदल सकते हैं किसी एक को छोड़कर, वो होगी आपकी उम्र। उम्र को आप कैसे रोकेंगे, बढ़ती हुई उम्र को आप कैसे रोकेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एज सेक्स जेनेटिक्स, आप इन 3-4 चीज़ों को नहीं स्टॉप कर सकते, लेकिन आपका BP बढ़ता है तो कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को घटा सकते हैं, स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन उम्र, जो आपका सेक्स है मेल फीमेल, आपके जो जीन्स हैं उनको आप नहीं बदल सकते। नेक्स्ट वन, इमरजेंसी केयर फॉर ट्रीटमेंट गिवन टू एन इल और इंजर्ड पर्सन बिफोर रेगुलर मेडिकल एड प्रोवाइड कराना है, यदि किसी को कुछ चोट लगी हुई है तो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, इम्यूनाइजेशन या फिर फर्स्ट एड, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट एड। रेगुलर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है लेकिन पर्सन को कुछ चोट लगी हो तो आपको सडन जो चीज़ करनी है वो कहलाएगा आपका क्या? फर्स्ट एड। क्या होगा? फर्स्ट एड। नेक्स्ट वन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड, BP के लिए आप प्राइमरी प्रिवेंशन क्या अपना सकते हैं? वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रमोशन, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट इनटेक और ऑल ऑफ द अबव। यदि BP को प्रिवेंट करना है मतलब BP होने से रोकना है, प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की गई है,
तो वो होगा आपका वेट रिडक्शन, नमक कम खाइए, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। कितने अच्छे बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी आप करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज ड्रग्स विच कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। किसी किसी को गैस बनने लगती है तो कौन सी ड्रग देते हैं, कैथार्टिक्स, एमेटिक्स, कार्मिनेटिव्स या फिर एंटी एमेटिक्स। कौन सी ड्रग देंगे जिसको गैस बनती है, तो वो देते हैं हम क्या, कार्मिनेटिव्स। क्या देंगे, कार्मिनेटिव्स ड्रग है जो दी जाएंगी। एमेटिक्स वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए और एंटी एमेटिक स्टॉप करने के लिए हैं। लेकिन यदि गैस बनती है स्टमक और इंटेस्टाइन में तो उसको हम क्या देंगे, कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कौन से रिस्क फैक्टर नहीं है डायबिटीज़ के डेवलप होने के लिए, हाई इंटेक ऑफ विटामिन ई ए, एक्सेस इंटेक ऑफ फैट, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा फैक्टर है जिसके कारण क्या आपको डायबिटीज मेलाइटस नहीं होगा, तो होगा हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए के कारण, हाइपर विटामिनोसिस होगा लेकिन डायबिटीज मेलाइटस नहीं होगा। यदि ज़्यादा फैट वाली डाइट लेते हैं तो चांस है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते तब भी चांस है, एल्कोहल पीते हैं तो भी चांस है, लेकिन विटामिन ए के कारण डायबिटीज़ का लेना देना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दी फॉलोइंग शुड बी डन टू अवॉइड स्ट्रोक। स्ट्रोक होने के लिए, स्ट्रोक में होता क्या है कि जो आपकी ब्रेन की आर्टरीज वहाँ पर सडनली ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रोक को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी डाइट में फैट कम लेंगे तो जो किसी भी तरीके का एम्बुलस फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर होते रहेगा। लो सॉल्ट लेंगे तो बीपी भी नॉर्मल आपका होगा ही होगा, बीपी नॉर्मल होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में स्ट्रोक उनको आने के चांसेस रहते हैं जिनको या तो बीपी की समस्या हो या कुछ और अदर कंडीशन हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, तो यहां पर आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो पहले होगी डिसीज, फिर होगा इम्पेयरमेंट, फिर होगी डिसेबिलिटी और लास्ट में क्या होगा, हैंडीकेप्ड। तो यहां पर चारों सीक्वेंस आपके रहेंगे, DIDH ऐसे याद रखें आप, DIDH। पहले कोई डिसीज होगी तभी तो आप डिसेबल होंगे, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, क्या होगा, पहले आपका डिसीज होगी, डिसीज के बाद कुछ इम्पेयरमेंट होगी, डिसेबिलिटी होगी, आफ्टर द हैंडीकेप, DIDH। आंसर क्या होगा आपका, ए। नेक्स्ट वन, टीबी मल्टी ड्रग रेजिमेन इज गिवन टू। तो ट्यूबर क्लोसिस में मल्टी ड्रग रेजिमेन क्यों दिया जाता है, साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, रेसिस्टेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव। टीबी में जो मल्टी ड्रग रेजिमेन यूज किया जाता है इसका रीजन क्या होता है, साइड इफेक्ट को कम करना नहीं, ना निमोनिया को प्रिवेंट करना, इसका रीजन होता है रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करना। मतलब रेसिस्टेंस में होता क्या है कि आपकी बॉडी, नॉर्मल समझिए, आपकी बॉडी यदि 5 mg की टैबलेट से अच्छी होती है, धीरे धीरे आपने इतनी टैबलेट खाई कि आपके शरीर को उसकी इतनी आदत पड़ गई कि आपको 10 mg के डोज में भी असर नहीं होगा, 12 mg लेना पड़ेगा। अब यदि 12 mg लेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, लेकिन आपकी बॉडी बिना 12 mg के काम नहीं करेगी। यदि आप कंटिन्यू डोलो खाते हैं, आपको डोलो, एक डोलो से फिर काम आपका नहीं बनेगा। जो लोग बहुत कम खाते हैं उनको एक ही डोज असर कर जाता है, ये भी एक फैक्ट है। वैसे ही टीबी की मल्टी ड्रग देने का काम यही होता है कि रेसिस्टेंसी को प्रिवेंट करना है, मतलब जो एक नॉर्मल डोज है उसी में पर्सन ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वो चीज़ क्या है, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट वन, द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर टीबी डायग्नोसिस। तो टीबी को डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या माना जाता है, चेस्ट पेन, कफिंग, स्पूटम पॉजिटिव या फिर ब्रीथलेसनेस। कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट माना जाएगा, तो वो होता है स्पुटम पॉजिटिव। यदि स्पुटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो प्रेजेंट हुआ, दैट मीन्स टीबी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन, चेस्ट पेन तो किसी भी रीजन से हो सकता है, खांसी भी आ सकती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन एडल्ट इज, तो एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा जाता है
99 से ज़्यादा जाएगा तो किसमें आने लगता है, फीवर में, लेकिन यहाँ पर 95.8 आता है, मतलब क्या है, हाइपो में जाएगा, कि बॉडी का टेम्परेचर लोअर से कम जाएगा, मतलब 95 के बिलो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, लेकिन बॉडी का नॉर्मल कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। कौन सा डायमेंशन WHO की डेफिनेशन में नहीं है, वो होगा इमोशनल। हेल्थ इज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो यहाँ पर वही है कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है WHO की, उसमें इमोशनल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इम्यूनाइजेशन इज, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ दी, अब सबको पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, कोई डिसीज़ होने के पहले ही आप उसकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, कहलाएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे हम, टिटनस, एंटी रेबीज, हेपेटाइटिस या फिर रूबेला। तो प्रेगनेंसी में एक लौती वैक्सीन है जो हमें नहीं देना है, वो होती है रूबेला वैक्सीन। कौन सी, रूबेला वैक्सीन है जो हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन, तो PHC में, यहाँ पर देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC में वैक्सीन कहाँ पे स्टोर होती हैं, ILR में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और ILR में वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट वन, वेस्ट सार्प शुड बी डिस्पोज्ड इन, यदि जो डिस्पोज करने वाला आइटम क्या है, वेस्ट है, वेस्ट क्या है, सार्प है, नुकीला है, किस कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे, ब्लैक बैग, वाइट बैग, रेड बैग या फिर येलो बैग में, तो वेस्ट सार्प को डिस्पोज किया जाएगा वाइट कलर के बैग में, किसमें, वाइट कलर के बैग में। नेक्स्ट वन, द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी ऑफ अ मैनेज, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शियस एजेंट क्या किया, एंट्री किया, डेवलप हुआ आपकी बॉडी में, तो क्या है, कंटामिनेशन है, डिसीज है, इन्फेस्टेशन है या फिर एपिडेमिक है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्फेस्टेशन, क्या होगा, इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट वन, इम्यूनिटी विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और बाय इम्यूनाइजेशन, कौन सी इम्यूनिटी होगी जो या तो आपको इम्यूनाइजेशन के कारण मिलेगी या आपको इन्फेक्शन होने के कारण होगी, पैसिव, एक्टिव, हर्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव, कौन सी इम्यूनिटी होगी ये, तो ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, या तो आपको वैक्सीन के कारण मिली या फिर आपकी बॉडी को एक दोबारा उस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी ने उससे लड़ने की क्षमता बना ली, तो कौन सी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, तो गुड सैंपल है जो ब्लीचिंग पाउडर का, कितने परसेंट क्लोरीन होनी चाहिए, अवेलेबल क्लोरीन, ये होती है यहाँ पर 40% तक, कितना, सॉरी यहाँ पे कितनी होगी, 33%, कितनी होगी, 33%, कितनी होगी, 33%, 40 नहीं होगी, 33 होगी। नेक्स्ट वन, मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, तो हेपेटाइटिस ए का जो रूट है वो क्या होगा, फीकोरल, सेक्सुअल, ए बी या फिर अनब दी अब, तो जो यहाँ पर HIV ए है, ए और ई, इन दोनों का रूट होता है फीकोरल रूट, कौन सा, फीकोरल रूट, तो आंसर भी आपका क्या होगा यहाँ पर, ए, हेपेटाइटिस बी, सी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई दोनों होते हैं किससे, फीकोरल रूट से। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन अ कम्युनिटी इज, किसी भी कम्युनिटी में जो फर्स्ट स्टेप होगा कोई डिसीज को कंट्रोल करने का वो क्या होगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन, सर्वेलेंस, डिसइंफेक्शन या फिर अर्ली डायग्नोसिस। यहाँ पर जो बेस्ट तरीका होगा किसी भी कम्युनिटी में कोई डिसीज़ को फैलने से रोकना है हमें, तो वो होगा अर्ली डायग्नोसिस, पता करेंगे उसके बाद आप आइसोलेट करेंगे, फर्स्ट क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर, ये फिर से आ गया है आपको यहाँ पे, तो कितनी पॉपुलेशन कवर होगी, वो होती है 3 से 5, कितनी, 3 से 5, 3000 to 5000 तक। एंटी मलेरिया मंथ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द अप्रैल ऑफ, एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं हम, तो ये होता है हर साल जून में, क्योंकि इस टाइम पे बारिश होना स्टार्ट होती है, मच्छर पनपना स्टार्ट होते हैं, ब्रीडिंग उनकी होती है,
तो इसीलिए इस मंथ को क्या कहा जाता है, एंटी मलेरिया मंथ, जून का पूरा महीना। नेक्स्ट वन, नॉलेज अपडेट्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। नॉलेज अपडेशन है जो हेल्थ केयर सिस्टम में, क्या है, इम्प्रूव्ड सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ करियर एडवांसमेंट, इम्प्रूव एबिलिटी इन राइटिंग रिपोर्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? नॉलेज अपडेशन में सभी चीज़ें होंगी, जो आप रिपोर्ट लिखते हैं वो भी सही से होनी चाहिए, करियर एडवांसमेंट को लेकर सभी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, स्कोप होना चाहिए, जो आपका स्टाफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे सब चीज़ें होंगी आपकी। नेक्स्ट वन, अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, चिल्ड्रंस एट 9 मंथ इज गिवन विटामिन ए डोजेज। 9 महीने की उम्र में, 9 महीने में जब MMR दी जाती है, उसी दौरान आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि स्पून में लेके या कैप में लेके विटामिन ए का डोज दिया जाता है बच्चों में ब्लाइंडनेस को, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो डोज कितना होता है? वो होता है 1 लाख IU, याद रखें कितना, 1 लाख IU। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड्स विच आर कैप्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कौन से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड होगा ही, एलिजिबल कपल रिकॉर्ड होगा, बर्थ डेथ रजिस्टर होंगे, मतलब ये सब कुछ होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे किसी न किसी एग्जाम में अलग अलग तरीके से आए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन देखना आप लोग। नेक्स्ट वन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ OPV2। तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कहता है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, कब तक दी जाती है? ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 5 ईयर, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 0 to 1, 0 to 2 या फिर 0 to 3। सबको पता है कि 0 डोज से लेके 5 साल की उम्र तक ओरली है, जो 2 बूंद क्या है, 2 ड्रॉप्स हैं जो ओरल दी जाती हैं, कितनी, 2 बूंद हैं जो दी जाती हैं, इनको कहा जाता है क्या, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट इज द अल्टरनेट टर्म फॉर ग्रोथ चार्ट। तो ग्रोथ चार्ट को और क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशनल चार्ट, वेट चार्ट, हाइट चार्ट या फिर रोड टू हेल्थ चार्ट। दूसरा नाम क्या है इसका, ये कहलाता है रोड टू हेल्थ चार्ट। इस तरीके से जो होता है वैक्सीनेशन वाला, आप देखना उसमें बना रहता है रोड टू हेल्थ चार्ट, यहाँ होगी हाइट और यहाँ होता है वेट। नेक्स्ट वन, कॉमन हैबिट डिसऑर्डर वेयर द चाइल्ड ग्रिंड्स द टीथ। कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे अपने दांत खड़खड़ाते हैं, मतलब दांतों में दांत मारते हैं? ब्रुक्सिज्म, स्टटरिंग, टिक्स या फिर ट्रिक्टोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया है, इसमें तो खुद के बाल खींचते हैं, क्या करेंगे, हेयर पुल करेंगे, क्या करेंगे, अपने जो हेयर हैं वो पुल करेंगे। अब यहाँ पे कहा है कि ग्राइंड्स द टीथ, दांत कड़कड़ाना जिसको आप कहेंगे, ये करते हैं जनरली ब्रुक्सिज्म में। किसमें? ब्रुक्सिज्म में। आप उनको जितना रोकोगे और नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स प्ले ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। करेक्टरिस्टिक्स प्ले ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में किस तरीके का प्ले करेंगे स्कूल चिल्ड्रन, मतलब 6 to 12 ईयर के बच्चे, पैरेलल, कोऑपरेटिव, एसोसिएटिव या फिर सॉलिटरी प्ले, कौन सा प्ले होगा? तो ये होगा कोऑपरेटिव प्ले। नेक्स्ट इज द बॉडी मास इंडेक्स इन चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड एज। BMI पूछा है, क्या है, BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चों में पूछा है चाहे बड़ों में पूछा है, सेम ही कैलकुलेट होगी। वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, क्या होगा, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, द थर्मोडायनामिक लेवल पुट ऑन वैक्सीन वायल इंडिकेटिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन इज टर्म्ड एज। थर्मोडायनामिक लेवल होता है कि वैक्सीन यूज़ करने लायक बची है या नहीं, किस कंडीशन में यूज़ करना है, तो क्या है वो कहलाता है VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। इसको क्या कहा जाता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट वन, विटामिन ए इज अदरवाइज नोन एज, तो विटामिन ए का दूसरा नाम पूछा है, तो क्या होगा, रेटिनॉल, वायोटिन, कोलेकोलसीफेरॉल, ये तो डी के लिए है, ये क्या कहलाएगा, रेटिनॉल, क्या होगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट इज
इन चिल्ड्रन विद डायरियल डिसीज द एस्टिमेटेड फ्लूड लॉस इन सीवियर डिहाइड्रेशन, यदि बच्चे को डायरिया होता है तो फ्लूड लॉस है जो सीवियर डिहाइड्रेशन में कितना होगा, मोर देन 50 ml/kg, 50 to 100 ml/kg, 75 ml/kg, या मोर देन 100 ml/kg, कितना फ्लूड लॉस होगा सीवियर डिहाइड्रेशन में, तो होगा सीवियर डिहाइड्रेशन में 100 ml/kg से भी ज़्यादा, और ऐसे केस में बच्चे को एडमिट करके आईवी ड्रिप है जो स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट वन, द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मॉडिफाइड इन अप्रैल 2005 एज अ न्यू स्कीम इज नोन एज, द मैटरनल बेनिफिट स्कीम थी 2005 में, इसका नाम बदल के क्या रखा गया, JSY, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि 2005 में कौन सी स्कीम आई थी जो मैटरनिटी से रिलेट करती थी, वो थी जननी सुरक्षा योजना। क्या थी, जननी सुरक्षा योजना, इसका पहले नाम था मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट वन, IMNCI का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होगा IMNCI का फुल फॉर्म, IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। अब यहाँ पे आप देखिए सही क्या है, तो यहाँ तक का तो सब में एक सा है मैनेजमेंट से। अब यहाँ पर इस साइड का हिस्सा देखिए, इंटेंसिव इम्पेशेंट इंटरनल, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ही हो गया आपका, क्या है, फर्स्ट वाला हो गया, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट वन, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू इनकॉर्पोरेटिव सिविल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए बच्चों के राइट की बात कर दी गई, बच्चों के राइट किस में है, UNCRC में, यूनिसेफ, यूनेस्को, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, किस में बच्चों के राइट की बात की गई है, किस में बच्चों के राइट की बात की गई, सोशल राइट फॉर चिल्ड्रन। तो सोशल राइट फॉर चिल्ड्रन जिस है वो क्या है, जैसे ये यूनिसेफ है तो बच्चों की एजुकेशन के बारे से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की राइट की इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस तरीके से रिलेट करता हुआ है, तो है UNCRC, क्या है, UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, राइट ऑफ द चाइल्ड मतलब UNCRC, यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज, द गर्ल चाइल्ड वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग, तो यहां पर गर्ल चाइल्ड वीक है, क्या है, गर्ल चाइल्ड वीक है, भारत में कब मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अप्रैल, 18 से 24 सितंबर, या फिर 15 से 21 नवंबर, कब मनाते हम गर्ल चाइल्ड वीक, तो ये होता है जनरली 18 से 24 सितंबर के बीच में, कब, 18th to 24th September। नेक्स्ट वन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG, तो एक ओनली सिंगल वैक्सीन है जो कि इंट्राडर्मल दी जाती है, कौन सी, BCG है, जो TB से प्रिवेंट करने के लिए इंट्राडर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक इसको दे सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर की एज के बाद हम इसको नहीं दे सकते, परमानेंट लाइफ टाइम स्कार छोड़ती है, वो एक ओनली यही वैक्सीन है BCG, वैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन वैक्सीन, TB को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन मिल्क सीक्रेशन रिफ्लेक्स इज नोन एज, यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन रिफ्लेक्स क्या है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रूटिंग, या फिर सकिंग, तो ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों नहीं है, अब ऑक्सीटोसिन है कि प्रोलैक्टिन है, दोनों हार्मोन क्योंकि मिल्क के लिए बनने में और रिजेक्ट होने में काम करते हैं, यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन की बात की जा रही है, तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेट डाउन रिफ्लेक्स पूछते, मिल्क सीक्रेशन रिफ्लेक्स पूछा, लेट डाउन पूछते तो होता ऑक्सीटोसिन, मिल्क सीक्रेशन पूछा है तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट इज, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन इज, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है वो क्या है, गेमीट है, एम्ब्रियो है, फीटस है कि जाइगोट है, क्या कहलाएगा, कहलाएगा जाइगोट, क्या होगा, जाइगोट। नेक्स्ट इज, कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस, तो कॉमन फीमेल पेल्विस कौन सी होती है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोप्लॉइड, या फिर प्लेटिप्लॉइड, कॉमन फीमेल नॉर्मल आइडल डिलीवरी के लिए मानी जाती है कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस, कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस।
नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रोड्यूस, तो प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, FSH या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो प्लेसेंटा का जो हार्मोन है यहाँ पर ये क्या है, एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्ट्रॉन भी है, क्या है एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रॉन है। अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि एक हेल्थी प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है, लेकिन आफ्टर कुछ वीक के बाद प्लेसेंटा अपना खुद का प्रोजेस्ट्रॉन बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन, हाउ मच वेट गेन इन नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल सिंगल टॉन प्रेगनेंसी मतलब जब वन फीटस हो कितना वजन बढ़ना चाहिए, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो या फिर 14 किलोग्राम, कितना वेट बढ़ना चाहिए। तो ये जनरली 11 से 12 केजी के बीच में होता है। यदि 11 किलो है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन 12 है तो एक आइडियल माना जाएगा। नेक्स्ट वन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्रीमी। नॉन एंगेजमेंट जो एंगेज होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस से फीटस वो ना होने का जो एक टर्म मतलब 37 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है वो प्रीमी है मतलब फर्स्ट टाइम है। क्या रीजन हो सकता है, CPD मतलब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, हाइड्रोमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूड का कम होना, ब्रो प्रेजेंटेशन या फिर ब्रीज प्रेजेंटेशन, क्या है जो कॉमन रीजन हो सकता है। तो वो होगा CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है जो टर्म इन प्रीमी मतलब टर्म इन प्रीमी का मतलब है 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है और पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं। तो नॉन एंगेजमेंट का जो रीज़न होगा वो होगा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ ओबरी इज टर्म्ड एज। ओबरी में यदि इन्फ्लामेशन है तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, उफोराइटिस, हाइड्रोसील, सल्फेंजाइटिस या फिर उफरेक्टोमी। हाइड्रोसील का तो मतलब होता है टेस्टिकल में पानी का भरना, फ्लूड एक्यूमुलेट होना स्क्रोटम में। उफोराइटिस मतलब क्या होगा, ओबरी में इन्फ्लामेशन। सल्फेंजाइटिस का मतलब होगा फेलोपियन ट्यूब में, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट वन, बंडल्स रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बंडल्स रिंग क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन, स्क्रोडर, रिट्रैक्शन या फिर सर्वाइकल डिस्टोकिया, क्या कहलाएंगे। तो बंडल्स रिंग क्या है यहाँ पे, ये है रिट्रैक्शन रिंग, क्या है, रिट्रैक्शन रिंग। नेक्स्ट वन इज द पेरिनियल टीयर शुड बी रिपेयर्ड। पेरिनियल टीयर है जो कब रिपेयर हो जाएंगे, 24 आवर लेटर, 48 आवर लेटर, 36 आवर लेटर या फिर इमीडिएटली। पेरिनियल टीयर का मतलब है कि जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगी तो जो वेजाइना इतनी ज़्यादा स्ट्रेच आउट होगी कि जो पेरिनियल जो पेरिरेक्टल एरिया है यहाँ पर भी टीयर फॉर्मेशन हो सकता है। और ये टीयर कितने टाइम में है जो रिपेयर हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं इमीडिएटली भी, कब, इमीडिएटली भी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसी, सोशल स्ट्रेस या फिर एक्सट्रीम ड्रॉप इन हार्मोनल लेवल। तो सेरोटोनिन है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन में, अब यहाँ पर यही रोल प्ले कर जाएगा किसमें, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ड्रॉप इन द हार्मोनल लेवल, हार्मोन सेरोटोनिन के अलावा बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद भी। तो बहुत सारे केसेस में लेडी को यदि प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपर केयर नहीं मिलती है तो भी डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का जो रिस्क है वो किसके कारण होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया फिर अटोनिक यूट्रस। तो ये होगा यूट्रस की जो मसल टोन है वो वीक हो जाना या ख़त्म हो जाना, तो मेन रीजन होगा PPH का, इसका PPH का। और जब मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, कितना, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया है जो होगा किसके लिए, APH के लिए, PPH के लिए नहीं होगा। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा यहाँ पर टाइम के पहले ही प्लेसेंटा के डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा वो है। नेक्स्ट वन, मेजॉरिटी ऑफ अबॉर्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, सबसे ज़्यादा अबॉर्शन किस वीक में हो सकते हैं, 8 to 12 week में, 12 to 16 week में, 16 to 20 weeks में या फिर लेटर देन 20 week में। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है अबॉर्शन होने की वो किस कौन से वीक में होने के चांसेस रहते हैं, वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 8 से 12 week के बीच में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो शुरू के जो
3 महीने होते हैं और 12 वीक होते हैं, इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीजन होता है क्रोमोसोम या को जेनेटिक रीजन। नेक्स्ट ADHD का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आप ऑप्शन देखिए कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें अटेंशन डायरेक्टली तो ये तो नहीं है, अटेंशन डिपेंडेंट ऑप्शन सी में है क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पे द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर हिस्टेरेक्टॉमी। हिस्टेरेक्टॉमी प्रोसीजर क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, पूरे गर्भाशय को ही क्या करना है, अलग कर दिया जाएगा। तो यह क्या हिस्टेरेक्टॉमी, तो इसका कॉमन इंडिकेशन क्या होगा, यूट्राइन लियोमायोमेटा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर एडिनोमायोसिस। किस रीजन से है जो हिस्टेरेक्टॉमी है जो की जाएगी, वो होगी यूट्राइन लियोमायोमेटा, क्या होगा, यूट्राइन लियोमायोमेटा। नेक्स्ट वन, मेमोग्राफी शुड बी डन एनुअली इन वुमेन ऑफ, मेमोग्राफी मतलब एक तरीके का एक्सरे ही है ब्रेस्ट के लिए, तो किस उम्र में कराना चाहिए, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 40 साल के बाद या फिर 30 साल के बाद, किस उम्र के बाद मेमोग्राफी करानी चाहिए, तो वो होगा आफ्टर 50 ईयर के बाद, जस्ट बिकॉज इस उम्र के बाद मेनोपॉज आता है और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रॉप डाउन होता है, इस रीजन से भी आफ्टर 50 ईयर के बाद क्या है जो मेमोग्राफी एक बार साल में करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अपगार असेसमेंट इज इंटरप्रिटेटेड बाय मीन्स ऑफ, अपगार स्कोर इसके लिए स्कोरिंग कंपेयरिंग विथ अ स्टैंडर्ड टेबल यूजिंग अ स्केल ऑफ वेलनेस कंसल्टेशन विथ अ फैमिली साइकोलॉजिस्ट। अपगार असेसमेंट किसके लिए किया जाता है, वेलनेस के लिए, किसके लिए, वेलनेस के लिए बेबी की, और एक स्कोरिंग सिस्टम भी है, तो यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम को लेके होगा, किसको, स्कोरिंग सिस्टम को लेके, जो यहाँ पर स्कोर पॉइंट होता है 10 होता है, क्या है, 10 होगा हाईएस्ट। नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व, घरेलू हिंसा, फिजिकल वायलेंस होगा, मेंटल होगा, वायलेंस इनसाइड द हाउस या फिर ऑल ऑफ दी अबव, क्या होगा इसमें, डोमेस्टिक वायलेंस में सब चीज़ें होंगी, मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ फिजिकल भी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, अ ट्यूमर एसोसिएटेड विथ HIV इन्फेक्टेड मैन, तो जो HIV के साथ में जो ट्यूमर होने के चांसेस है वो कौन सा होगा, प्रोस्टेट, लिवर सेल कार्सिनोम, ऑस्टियोसार्कोमा मतलब बोन से रिलेट करता हुआ कैंसर या फिर कापोसी। इन्फेक्टेड HIV मैन में सबसे कॉमन होने के चांसेस होते हैं कापोसी सार्कोमा, किसके, कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन STI कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कॉमन जो बैक्टीरिया के कारण होगा, निसीरिया गोनोरिया जो गोनोरिया के लिए, सिफिलिस, ट्रिपनोमा पैलिडियम हो गया, क्लेमाइडिया फंगल हो गया, जेनाइटल वार्ट्स, तो यहाँ पर STI है जो कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया के कारण होगा, तो वो होगा यहाँ पर क्या, क्लेमाइडिया, क्या होगा, कॉमन STI है, किसके कारण होगा, क्ले जो बैक्टीरियल है वो क्या है, क्लेमाइडिया। नेक्स्ट वन, ये सभी क्या हैं, ट्रिपनोमा पैलिडियम सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जेनाइटल वार्ट्स ये भी HPV जो है उसके कारण होगा, गोनोरिया निसीरिया गोनोरिया के कारण होगा, लेकिन कॉमन पूछा है तो वो क्लेमाइडिया। नेक्स्ट वन, वुमेन हु आर ट्राइंग टू कंसीव शुड बूस्ट देयर इनटेक ऑफ, यदि जो भी फीमेल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो उनको क्या लेना चाहिए, निकल, लाइकोपीन, पोटेशियम या फोलिक एसिड, तो जो फीमेल कंसीव करना चाहती हैं उनको अपने खाने पीने में या जो पिल्स के तौर पर फॉलिक एसिड लेना चाहिए, यदि इनके इस कंसीव होता है तो बच्चे को फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्री वाला तो हमारा भारत ही है भाई, पहले हम टिक करते थे चाइना को, लेकिन अब ऐसा नहीं, हम भारत को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट, ये भी मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया है, तो टोटल कितनी विजिट होनी चाहिए, WHO के अकॉर्डिंग टोटल 4 विजिट होनी चाहिए, एज सून एज प्रेगनेंसी कन्फर्म हो, दूसरे 12 वीक के बाद, तीसरी आपकी है जो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता रहता है वो लास्ट वन है जो 37 वीक के बाद में, तो टोटल कितनी होनी चाहिए, 4। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड जननी सुरक्षा योजना लॉन्च, इसको लेके अभी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो आगे पड़ी है सेम वही ईयर है यहाँ पर, तो कब लाई गई थी, तो
तो ये आई थी 2005 में, कब 2005 में। नेक्स्ट वन, क्रीमी सब्सटेंस फाउंड ऑन स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर द बर्थ। बच्चे की पूरी बॉडी पर एक क्रीमी सब्सटेंस होता है, वो क्या कहलाता है? मेकोनियम, बार्टन्स जेली, वर्निक सिजोस या फिर लेन्यूगो। लेन्यूगो तो जो बॉडी पे फाइन टेनी हेयर होते हैं वो है। वाइटन्स जेली अम्ब्लाइकल कॉर्ड के चारों तरफ जो एक चिपचिपाहट रहती है वो है। मेकोनियम बेबी का फर्स्ट स्टूल है, ये कहलाएगा वर्निक सिजोसा। क्या होगा? ये कहलाएगा वर्निक सिजोसा। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस। समय के पहले प्लेसेंटा गर्भाशय से डिटैच हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया, हैबिचुअल अबॉर्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन या फिर वेसिकुलर मोल। क्या टर्म आप इसके लिए यूज़ करेंगे? समय से पहले यदि प्लेसेंटा डिटैच होना स्टार्ट हो जाए तो वो कहलाता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। क्या होगा? प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉट टू बी कॉज ऑफ हाइपरएमएसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमएसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग, उल्टियाँ, जी मचलाना, नोजिया। इसका रीज़न क्या होगा? अंडरलाइंग इन्फेक्शन, ओवर ईटिंग, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG या फिर साइकोलॉजिकल इशू। मेन रीज़न होता है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग का, वो होता है HCG का लेवल। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि सिंक्टोट्रोपोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, और हाइपरएमएसिस ग्रेविडेरम के लिए सबसे कॉमन यही है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। तो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन होता है कितना? 60 ग्राम। कितना? 60 ग्राम तक। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर देना। विच इज़ द सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा का क्या होना, लोअर लाइंग हो जाना या फिर नीचे की तरफ आ जाना अपर पार्ट से यूट्रस के, तो क्या है इसका सिम्टम? क्या है? ब्राइट रेड, पेनलेस, वेजाइनल ब्लीडिंग, क्विकनिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। एक ही क्लासिकल साइन होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, हमने कई बार पढ़ा भी है। बता दूं, क्विकनिंग का मतलब तो होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो माँ अपने बच्चे का फील करती है 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर राइट रेड, पेनलेस, वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें से इसका आंसर आप लोग देना, आपके लिए है क्वेश्चन। आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।